जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट पीरियड में अपने जो रिवाइज कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को जो हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, होता है क्या है कि जब हमारे पास ज़्यादा समय होता है तो हम चीज़ों को धीरे 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 पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें हमेशा याद नहीं रहती है और हमें ज़रूरी होता है रिविज़न का। एग्ज़ाम से पहले रिविज़न बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो जो आपने साल भर मेहनत किया है वो आपका सारा बेकार हो जाता है और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए करना है क्या, कैसे कैसे हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने समय को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये था आपका पूरा साल का समय, इसमें आपने पूरे बुक्स को पढ़ा, ठीक है, आपने बुक्स को पढ़ा, कॉन्सेप्ट को सीखा, ओके। लेकिन अब हमारे पास समय कम है, 10 से 12-13 डेज का समय है। अगर हम शॉर्ट पीरियड में करना चाहें, शॉर्ट पीरियड में, ओके, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने जो चैप्टर्स पढ़े उसमें आपको कुछ चैप्टर लगे होंगे हार्ड, बोला जाए तो जो आपको समझ में दिक्कत हुई होगी, एक होगा आपके लिए इजी, ओके, और एक होगा वेरी इजी, ओके। तो इसमें आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए और उसमें भी आप क्या करोगे, 2 सेक्शंस कर दोगे। मान लिया जाए आपके पास 18 चैप्टर है, 9 और 9 में बांट दीजिए और बाद के चैप्टर्स को ज़्यादा बार रिवाइज करिए। बाद के जो चैप्टर है उसके 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बाद वाले चैप्टर से आने के चांसेस अधिक होते हैं, ओके। तो 9 चैप्टर्स आप रिवाइज कर लोगे, उसके आप कैसे रिवाइज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी को रिवाइज करो, क्लासेस एक बार देख लो। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस देखा है तो क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार क्लास को देख लोगे तो क्या होगा, मेमोराइज हो जाएंगे चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट याद आ जाएगी, ओके। थ्योरी को देख लिया, उसके बाद आप चले जाओ एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे। एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे जाने के बाद आता है आपका क्या, क्या आता है, जो बीच के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बीच के जो क्वेश्चन है, वो भी आप थ्योरी में रिवाइज कर लो। देन आप फिगर को भी छोड़ दो, देन फिगर को छोड़ दो, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th पूरे आपने 18 चैप्टर तक थ्योरी एक्सरसाइज रिवाइज कर लिया, देन आप आ जाओ फिगर में, ओके। आपको क्या करना है, जितने भी डायग्राम है 9 to 18, ओके, 9 to 18 में जितने भी फिगर है उसको आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दो, ठीक है, और 2 सेक्शंस में से 9 to 18 के जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो आप रिवाइज कर लो, ओके, सॉरी। तो आप डायग्राम्स को आप 2 सेक्शंस में करके 4-4, 5-5 चैप्टर्स के बना के आप रिवाइज कर लो और मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि कौन से डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बुक्स में से आने के लिए, ओके, उसके बारे में भी हम लोग क्लासेस को बनाएंगे। तो 9 से 18 का आपका प्रिपरेशन पूरा, अब आ जाइए आप शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आ जाइए 1 से 9 के बीच में। 1 से 9 के बीच में आपके जितने चैप्टर्स उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए और इसी प्रकार से आप थ्योरी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और उसके बाद एक साथ पूरे फिगर को देख लीजिए। ये था पहला टेक्निक। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, दूसरा है रोटेशनल स्टडी। आप रोटेशनल स्टडी कर सकते हो, एक चैप्टर आप फर्स्ट के ले सकते हो, एक चैप्टर आप 9 ले सकते हो, एक चैप्टर 2 ले सकते हो, एक चैप्टर आप 10 ले सकते हो, एक चैप्टर 3 ले सकते हो, एक चैप्टर 11 ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके शुरुआत के चैप्टर जो आपने बार बार पढ़ चुके हैं तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और बाद के 9 चैप्टर आपको थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि आपने बाद में पढ़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे आपका जो अच्छा होगा आप वैसा करिए, आपका 1, 9, 2, 10, 3, 11 और ऐसे कर करके एक चैप्टर को आप रोटेशनल स्टडी करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थ्योरी एक्सरसाइज करिए, फिगर को एक बार में देखिए, 2 सेक्शंस में डिवाइड करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आता है और एग्जाम्स के समय क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बनाओगे छोटी सी कॉपी, छोटे से पेपर वाली कॉपी बना लो, पतली ऐसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें लिखो डाउट, ओके, डाउट्स में जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उसको आप लिखते चले जाओ। जैसे आपने पढ़ा चैप्टर 1, उसके डाउट्स आप लिख लो, छोटा सा आप मार्क कर सकते हो, बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप उस डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपने सर्कल्स में आप जिससे आपके अच्छे बनते हैं, मित्र हैं आपके, तो उनसे आप भी पूछ के क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बना लूँगी या फिर मैं बना लूँगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी, डैट इज़ कॉल्ड साइंस, ओके। डाउट्स क्लियर, थ्योरी क्लियर, एक्सरसाइज क्लियर, फिगर क्लियर, देन कुछ भी बाकी नहीं रहा और अच्छे से आप समय को यूज़ करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो बातें करेंगे और समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा, समय का पूरा यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।